हेलो गाइस, कैसे हैं? और मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अतरंगी ब्लॉगर्स। तो गाइस, हैप्पी दीपावली आप सभी को। और आज छोटी दीपावली है, ठीक है। और अभी हम दिवाली की शॉपिंग करने जा रहे हैं, पटाखे लेने जा रहे हैं, दिए लेने जा रहे हैं और भुटकी लेने जा रहे हैं, जिससे कि हम लोग का ये लोकल लैंग्वेज में एक छोटा सा रहता है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि भुटकी किसे कहते हैं। भुटकी लेने जा रहे हैं और पटाखे बेस्ट रेट पे कहाँ मिलेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो आइए ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए। भैया, आपके स्टोर का नाम क्या हुआ जी? गणेश स्टोर। गणेश स्टोर हुआ जी। अच्छा, तो ये आपका स्टोर का ये लोकेशन क्या हुआ? लोकेशन मेरा है, ये चपरासी टोला में है, गली नंबर एक समझ लीजिए इसको। अच्छा, गली नंबर एक। तो आपका ये होलसेल का है? जी जी। अच्छा, तो इस हाइड्रोजन बम का हाइड्रोजन बम का कितना प्राइस पड़ता है मार्केट में? मार्केट में तो जो हमसे कोई लेकर के अगर गया, तो जैसे ये हमारा 70 का, तो कोई 80 में बेच रहा, 75 में, बस ऐसा ही है। तो मतलब आप मार्केट से आपका प्राइस बहुत ज्यादा डाउन रहेगा? नहीं, हम क्योंकि होलसेल देते हैं तो देखिए कम है, खुदरा हम देते नहीं है। हाँ, बात सही। ठीक है, खुदरा हम नहीं बेचते हैं, जो दुकानदार है, जो कोई अगर हमारे पास आया तो दुकानदार को देते। मतलब क्या बोलते हैं, ज्यादा अमाउंट में जो लेता है आप उनको होलसेल? ज्यादा अमाउंट क्या, पटाखा कोई 5,000-10,000-8,000 ऐसे ही लेता है बेचने के लिए, जो गाँव सब में बेचता है करता है वो सबको। ठीक है भैया, तो आपका आपके शॉप पे हम खुद विजिट हुए और दिवाली के शॉपिंग के लिए हम खुद भैया के पास ही आए थे और आप लोग को भी प्रीफर करेंगे कि आप लोग भैया के पास ही आओ। लोकेशन भैया ने बता ही दिया और मैंने भी दिखा दिया आप लोगों को, भैया के पास आइए। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। सो गाइस, अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं पटाखे की दुकान पर गया, क्रैकर्स की शॉप पर गया, तो वो नॉर्मली ह्यूज अमाउंट्स में डील करते हैं। ठीक है, अगर आपको छोटे अमाउंट में भी लेना है ना, तो आप उनसे आके विजिट कर सकते हो और अगर हमारा अगर नाम ले लोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसकी आप गारंटी मैं देता हूँ आप लोगों को। और बाकी चलते हैं, जैसे कि अगर हमें लाइट्स लेनी है, ठीक है, तो लाइट्स लेनी है हमें और कुछ स्टिकर्स लेने हैं, बहुत कुछ लेना है हमें। ठीक है, तो चलिए पहले दिवाली की शॉपिंग के कुछ अच्छे अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स भी मैं दिखाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, और उससे पहले मैं आप लोग को एक अच्छी जगह पे लेके आता हूँ, जहाँ पे कि आप लोग को जो लीजी वॉल्स से कहते हैं या फिर जो भी LED स्ट्रिप्स बोलते हैं, वो मैं एक चीपेस्ट प्राइस में और चीप एंड बेस्ट क्वालिटी में आप लोग को दिलवाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि आखिर वो किस कौन सी जगह पे है। तो मेरा दुकान RB मार्केट के बगल में है और यहाँ मैं फैन वगैरह का रिपेयरिंग भी करता हूँ और सामान भी बेचता हूँ। लाइट कैसे हैं आपके पास? 60 रुपये। 60 रुपये का जी? सारे के सारे 60 रुपये का जी? 60 रुपये। और ये बल्ब 80 रुपये का है? 80 रुपीज़ का है। और ये लाइट लैंप कैसे है? ये लाइट सब अलग अलग, एक 350 का है, एक 300 का है, कोई 250 का है। मतलब सबका बैटरी पे डिपेंड करता है, लाइट लाइट पे डिपेंड करता है। और अंकल, आपका आप जरा बताइए अपने दुकान के बारे में। देखिए, मूर्ति का रेंज है 40-50-100 के रेंज में। मतलब एक जो एक मध्यम परिवार के जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्ति है इनके पास। ठीक है, एक लो रेंज से एक हाई रेंज तक गए हैं, ये बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्ति है इनके पास। ठीक है, आप सभी विजिट करो इनके पास। और जैसे ये माला है बहुत, ये सभी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। ठीक है, और इधर भी बहुत सारे झालर पड़े हुए हैं, फिर चुनरी है, फिर यहाँ भी ये स्टिकर हम लोग लगा सकते हैं घर पे। तो ये आपका इतना? अच्छा, ये सारे ये कितने के आते हैं? ये सब 10 रुपये पीस करके। 10 रुपये पीस करके? हाँ। चलिए, फिर अच्छा लगा आपसे मिलकर। हाँ, और आशा करता हूँ कि मेरे पब्लिक आपके पास आए। एकदम जरूर, थैंक यू। ये कैसे देते हैं भाई? ये 10 रुपये पीस।
दस रुपया, और ये आथनी का 20 रुपया पीस। और इससे कम वाला नहीं है? इससे कम वाला, कम वाला 5 रुपया। वाह, एक पीस ये दे दीजिए और एक पीस और लाल पेंट दे दीजिए, कम दाम वाला 5 वाला। हाँ, 5, 5, 10 रुपया हुआ। और ये आसनी कितना बोले? 20 का 20। हाँ। और छोटा नहीं है? छोटा नहीं है। अच्छा, एक पीस भी दे दीजिए आप, बस हो गया, हो गया, हो गया। माला भी दे दीजिए 200। तो इनके पास अभी कुछ कस्टमर आए हुए हैं, तो उनसे इन्होंने डील किया है, और बहुत ही कम रेंज में भी इनके पास अच्छी चीज़ अवेलेबल है। तो आप लोग आओ इनके पास, विजिट करो, ठीक है? और थैंक यू अंकल, आपने हमें सब कोऑपरेट किया हमारे साथ, थैंक यू। आप लोग ये काम कब से कर रहे हैं? 100 बरस से। 100 बरस से? हाँ, पुश्तैनी बाप दादा चला रहा है ना। अच्छा, उसके अच्छा। बाद हम काम कर रहे हैं। तो कितना कमाई हो जाता है आप लोगों का ऐसे? ये मजदूरी खाली होता है। अच्छा, जैसे 300 रुपया मजदूरी होता है ना। हाँ। बाल बच्चा मिल के कमाते हैं। हाँ। ये कहीं जाना नहीं पड़ता है, प्रदेश नहीं जाना पड़ता है, अपने घर में रह के कमाते हैं। प्रदेश जाएंगे, बाल बच्चा कहाँ ढोते जाएंगे? नहीं नहीं, बात सही है। इसीलिए हम लोग अपना मजदूरी करते हैं, यही दीपक बनाते हैं। अच्छा, तो आपके एक दिया का कितना दाम है? 1 रुपये का है। 1 रुपये का एक दिया? अच्छा, और मार्केट में कितना दाम है आपको कुछ पता है? बिक्री वही 1 ही रुपया है। 1 ही रुपया करके है? अच्छा, लोग आपसे लेके जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, बाजार में हम तो बिचवे करते हैं, और कितने बेचते हैं, पैकारी खरीद के बेचता है वो। अच्छा, दूसरा भी खरीद के बेचता है उसको। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, अभी इनके पास आए हुए हैं हम, और ये दिया बना रहे थे हमारे सामने, ये दिया बना रहे थे। और कुछ आपको, अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो वहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे शॉर्ट्स मिल जाएंगे, आप लोग उसे देखो। अंकल ने बहुत अच्छे से बनाया है, और हमें भी कुछ कुछ ख़रीदना है घर के लिए, ठीक है। एक्चुअली मैं एक गुल्लक ख़रीदने वाला हूँ, ठीक है, फॉर समथिंग न्यू, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एक गुल्लक मैं ले लेता हूँ खुद के पैसों से, ठीक है, यूट्यूब की कमाई से नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो और आप लोग अगर लेना है तो ये आपका ये दुकान किधर पड़ता है आपका, ये जो ये घर है या फिर घर में ही दुकान है आपका? हाँ, तो ये कहाँ पर पड़ता है ज़रा बताइए। सिपुर मोहल्ला में है। अच्छा, वार्ड नंबर 4 में पड़ता है। सिपुर मोहल्ला वार्ड नंबर 4। सिपुर मंदिर के पास आपको आके लेना पड़ेगा इनके पास। बहुत ही अच्छा दिया बनाने का कला है इनके दीपक पास। है कला है, मैंने ग्लास है, कप्पी है, चाय पीने वाला कुल्हड़ है, या शादी ब्याह का सामान है, मिट्टी से जुड़ा जो भी सामान है वो सारा यहाँ पे मिल जाएगा। गाइस, देख ही लिया आप लोगों ने, और कुछ सिनेमैटिक शॉट्स भी मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए जरा सा और इन्जॉय कीजिए उसे, और ब्लॉग पर कंटिन्यू रहे। और अगर चैनल पर अगर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और देखते जाओ। कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं, मुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, मुझ में रब दिखता है यार। अभी नो एंट्री बिल्कुल नहीं खुली है, और कैसे ये गाड़ी निकल गया इधर से पता नहीं। अरे यार, कितना हॉरर। अरे नो एंट्री, उसे पूछे नो एंट्री टूट गया है, उसे नो एंट्री टूट गया है साला। बिना नो एंट्री टूटेगा वो पहले चला रहा है, वो तो उसको दिख ही नहीं रहा है। तो गाइस,
ये देखिए मार्केट अभी कुछ एक अच्छे से आयुष आपको दिखा रहा होगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा रश है मार्केट में, भीड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दीपावली की धूमधाम है, बहुत सारी दीपावली की मैंने भी बहुत सारी शॉपिंग्स की है, ठीक है। पटाखे खरीदे हैं और मैं कल दिखाऊंगा आप लोगों को, कल के ब्लॉग में सारा सब कुछ आने वाला है, ठीक है। आप लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हो उस चीज़ को। और थोड़ी देर बाद मैं इस मंदिर में आऊँगा, इस मंदिर में मैं आऊँगा और यहाँ के एक बहुत ही अच्छा सा मशीन दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। आई होप आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, ठीक है। तो तब तक ज़रा सा आप एक लुक उधर देखिए और बस इस क्राउड का बस एक कोई भी आप रीज़न बताइए कि ये क्राउड किस लिए है। सारे पब्लिक मतलब बस मतलब दीपावली को लेके सब कोई इतना एक्साइटेड है ना यार, मतलब कि मैं बोल ही सकता हूँ। फ्रेंड्स के पास है, ठीक है, इधर जियो मार्ट का भी सुपर स्टोर है इधर, ठीक है। और हमारे जस्ट अपोजिट में राज दरबार है और भी बहुत कुछ है। तो एक लो लाइटनिंग में हमने आपको दिखाया है ये सब कुछ, होप आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद होगा, पसंद पड़ेगा भी, ठीक है। तो पूरा देखिए, ठीक है, मंदिर का दिखाना, ठीक है। मंदिर इज आवर फर्स्ट मोटो। आराम से स्लो डाउन, हाँ आराम से मंदिर दिखाओ, लो लाइट करके, लो लाइट। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं उस लोकेशन पे जहाँ से कि हमने व्लॉग स्टार्ट किया था, ठीक है। शायद नहीं, ये जगह नहीं थी, वो कोई और जगह थी, ठीक है। तो ये एक अलग जगह है और यहाँ पे शांति कुछ ज़्यादा है, तो हमें शांति के साथ काम करना रहता है और शांति के साथ सब कुछ करना रहता है, इसीलिए हम यहाँ पे ब्लॉग बनाने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। तो ब्लॉग आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और आज रात को ये ब्लॉग अपलोड होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग भी शॉक्ड होंगे कि यार कुणाल आज ही ब्लॉग डाल रहा है, आज ही ब्लॉग शूट किया और आज ही अपलोड भी कर रहा है, वाह। तो ब्लॉग का वेट करो और कल दिवाली मस्ती दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही ढांसू होने वाली है, बहुत ही ढांसू होने वाली है, ठीक है। होप यू ऑल विल एंजॉय दिस ब्लॉग एंड अपकमिंग ब्लॉग। तो ब्लॉग देखना मत भूलना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। और तब तक के लिए स्वस्थ रहो और मस्त रहो।